जब भी LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात होती है, इंडो चाइना की बात होती है, तो एक जिक्र किया जाता है कि चाइना किस तरह से बॉर्डर इलाकों में गांव बसा रहा है या फिर बेहतरीन ढंग से बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ मॉडर्न गांव तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि चाइना ने करीब 600 से ज्यादा इस तरह के गांव को बनाने का प्लान किया है, जिसकी कुछ तस्वीरें आपने सैटेलाइट में देखी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चाइना में जो गांव बसाए जा रहे हैं वो खाली जगह होती है बॉर्डर के पास, वो जाते हैं वहां पर घर बनाते हैं, लोगों को लाके वहां पर बसा देते हैं। लेकिन भारत में जो बॉर्डर के पास गांव है वो सदियों से यहां पर लोग रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब क्या किया है कि इन गांव को और बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बनाना शुरू किया है। सबसे पहली चीज थी सड़क यहां पर बनाई जा रही है, बिजली पानी की फैसिलिटीज की जा रही है, साथ ही साथ उनके रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। उसी तरह के गांव में मैं पहुंचा हूं, ये आखिरी गांव है ताकसंग। ताकसंग अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में चाइना बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है और आखिरी गांव है। अब यहां पर आपको हम जरा गांव दिखाते हैं और ऊपर से देखिए कि यहां पर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। नीचे आप देखिए ये गांव है, यहां पर आपको पुराने मकान भी नजर आ रहे होंगे, नए मकान भी यहां पर आपको नजर आएंगे और कैसे कैसे यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है उसकी एक तस्वीर। ये ताकसंग गांव है। अब नीचे आप देख रहे हैं ये एक स्कूल है और यहां पर आपको बता दें कि ये स्कूल सिर्फ यहां पर लोग पढ़ाई भी नहीं करते हैं, रहते भी, यानी कि यहां पर रहने की व्यवस्था यानी कि हॉस्टल कम, यहां पर स्कूल है तो रेसिडेंशियल यहां पर भी ऑप्शन दिया गया बच्चों के लिए जो दूर दराज के इलाकों से भी आप पढ़ने आते हैं और गांव के बच्चे तो है यहां पर। तो हम गांव के अंदर तक जाएंगे और ठीक स्कूल में जाकर देखेंगे कि आखिरकार किस तरह से यहां पर फैसिलिटीज की तैयार की जा रही है। ताकसंग गांव के लोगों पर चीन की किसी भी किस्म की साजिश का कोई असर नहीं है और न ही उनकी रोजाना की दिनचर्या में किसी किस्म का बदलाव है। दोजी साहब, आप भी इस गांव में रहते हैं, अच्छा इस गांव में फिर हमको बताइए कि आप लोग इतने बॉर्डर के पास रहते हैं, डर लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, सिंपल लाइफ जैसे आप जीते वैसा ही है, कुछ फर्क लगता है आपको? नहीं नहीं सर, डर का तो कोई बात ही नहीं है, जब हमारे साथ इंडियन आर्मी हमारे साथ में है, बॉर्डर तक हमारे इंडियन आर्मी है, रास्ता भी पूरा बॉर्डर तक है और यहाँ पे तो हमारे BRO भी लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा सड़क निर्माण कर रहे हैं, तो हमें तो किसी बात का डर नहीं है फिलहाल तो। ये ताकसंग गांव का रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ KG से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। ये गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन आर्मी भी मदद करती है, स्कूल में एक ब्लॉक को आर्मी ने बनाकर दिया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए देश के फौजी ही असली हीरो हैं। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर बताते हैं कि ज्यादातर बच्चे सेना में जाने की बात करते हैं। डर तो नहीं है सर, क्योंकि हमें अभी अब थोड़ा आगे जाएगा तो फौजी मतलब इंडियन आर्मी पूरा हम बॉर्डर में है सर, यहाँ से आसपास मतलब 10-12 किलोमीटर के आगे में तो चाइना है। हाँ। लेकिन सर फौजी इंडियन आर्मी की वजह से पूरा ठीक है सर, हम लोग यहाँ में डर नहीं लगता सर। तभी आप लोग अभी सुनते हैं न्यूज में कि यहाँ पर अभी जैसे हुआ यांगसे में झड़प हो गया था, उसके बाद थोड़ा डर लगा कि कहीं अटैक तो नहीं हो रहा? डर तो नहीं लगा सर, क्योंकि हम फौजी लोग से भी मिलते रहते हैं, लोग से बात भी करते रहते हैं सर। बच्चों के अंदर डर होता नहीं? वो लोग का तो डर नहीं है सर, कुछ भी डर नहीं है, कोई डर नहीं है। हाँ सर। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों से यहाँ बात की तो बच्चे यहाँ पर क्या सोचते हैं, ज्यादातर बच्चे से 8 तक पढ़ रहे हैं, क्या कुछ बोलते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे बड़ों के लिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या स्पोर्ट्स में जाना है, क्या सोचते हैं बच्चे यहाँ पर ज्यादातर? हाँ, बच्चा का वही है सर, एम जो क्या है इंडियन आर्मी के ऊपर में ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर इंडियन आर्मी देखते हैं लोग यहाँ आस पास में, तो वो लोग का क्या है कि एम जो भी इंडियन आर्मी मतलब ज्यादातर है। तो ऐसी कुछ आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में और कुछ फैसिलिटीज आप लोग यहाँ पर चाह रहे हैं जो आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, आप लोगों ने कभी डिमांड रखी हो? फैसिलिटीज तो अभी तो सर अभी तक के लिए तो सब ठीक ही है सर, थोड़ा लाइट उट का थोड़ा प्रॉब्लम है सर, वो लाइट कुछ मतलब इस हॉस्टल में हो गया तो हम छोटा जनरेटर लगा के उससे चला लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, उससे फायदा होगा? हाँ सर, जो पहले वाला था हाइड्रो प्रोजेक्ट वो भी ठीक ही था सर, शाम को 5 बजे से सुबह 5-6 बजे तक तो रह जाता था सर लाइट, अभी जो एक और तैयार हो रहा है। हाँ हाँ, तो अभी वो बनने के बाद मतलब दिन को भी लाइट देने का चांस है और रात को भी होने का, दिन रात लाइट होने का चांस है। PM मोदी बार बार डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, भारत के अंतिम गाँव ताकसंग में भी वो गाने सुनाई दे रहे हैं जो दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में बजते हैं, मतलब ये गाँव टेंशन फ्री है। गांव के लोगों को बिजली की थोड़ी दिक्कत है लेकिन उस पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है, गांव में ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिससे गांव के लोगों के साथ साथ सेना को भी मदद मिलेगी। तवांग सेक्टर में LAC पर आखिरी गांव ताकसंग तक बिजली पहुंचाने के लिए, ताकि 24 घंटे वहां बिजली मिल सके, एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है और बताया जाता है कि बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बिजली की सप्लाई आगे गांव तक की जाएगी। और यहाँ पर आपको बताएं 2 टरबाइन लग रहे हैं और उनकी जो क्षमता होगी 50 किलोवाट और 50 किलोवाट यानी 100 किलोवाट बिजली यहाँ पर पैदा की जाएगी और आगे गांव को सप्लाई की जाएगी ताकसिंग विलेज तक और 24 घंटे यहाँ पर बिजली की सप्लाई हो पाएगी।